लाल रंग की साड़ी में बैठकर मुस्कुरा रही ये महिला अब अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन गई हैं। अमेरिकी इतिहास में पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति पद पर पहुंची है। जमैका में ली गई इस तस्वीर में कमला के साथ उनके नाना नानी बैठे हुए हैं। कमला हैरिस का कहना है कि वो अपने प्रगतिशील नाना नानी के कारण ही जीवन में कुछ कर पाई, लेकिन उनके ब्राह्मण नाना के तन पर चतुर वर्ण की पहचान जनेऊ साफ साफ दिखाई देता है। इसी जनेऊ कनेक्शन के कारण कमला हैरिस को लेकर कई लोग आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं कि शायद ही वो कभी जाति की समस्या पर बात करें। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण माँ और जमैकन पिता की संतान कमला हैरिस कभी भी जाति की समस्या पर बोलती नजर नहीं आती। महिला अधिकार और नस्ल भेद जैसे मुद्दों पर मुखर रहने वाली कमला ने अमेरिका में जाति की समस्या पर कभी भी कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी इसलिए लोगों को चुभती रही है क्योंकि अमेरिका में जातिवाद एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। चाहे अमेरिका की सिस्को कंपनी में जातीय भेदभाव का मामला हो या फिर TND प्रकरण, अमेरिका में जातिवाद भी नस्ल भेद की तरह ही एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। लेकिन कमला हैरिस ने कभी भी सार्वजनिक रूप से जातिवाद को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। उनकी इस चुप्पी को लेकर अक्सर उनकी आलोचना भी होती रहती है। यहां तक कि अपने चुनाव प्रचार में भी कमला ने एंटी कास्ट लॉ जैसा कोई वादा नहीं किया, जबकि अमेरिका में जातिवाद चरम पर है। ईसा विल्किंसन ने अपनी किताब कास्ट में भी भारत और अमेरिका में जातिवाद को सामने रखा। कास्ट मैटर्स जैसी मशहूर किताब के लेखक और हार्वर्ड स्कॉलर सूरज येंगड़े भी कमला हैरिस की जाति को लेकर चुप्पी साधने पर सवाल उठा चुके हैं। साल 2016 में इक्वेलिटी लैब्स ने अमेरिका में जातिवाद पर जो अध्ययन किया वो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 41% दलित बच्चों ने अमेरिका के स्कूलों में जातिवाद झेलने की बात स्वीकार की। 67% दलितों ने कहा कि उन्हें अपने दफ्तरों में भी जातिवाद झेलना पड़ता है। वहीं 22% दलितों ने माना कि उन्हें लोकल बिजनेस में भी भेदभाव सहना पड़ता है। 59% दलितों ने स्वीकार किया कि उन्हें जातिवादी चुटकुले और फब्तियां सुननी पड़ती हैं। यानी जातिवाद अमेरिका की एक गंभीर समस्या है। अपने नाना नानी को खुद की प्रेरणा बताने वाली कमला हैरिस को लेकर कुछ लोगों में यही आशंका है कि कहीं उन्होंने परंपराओं के नाम पर जातीय श्रेष्ठता जैसी बीमारी भी ना अपना ली हो। दुनिया के सामने कमला हैरिस खुद को ऐसे पेश करती हैं कि जैसे वो मानवाधिकारों को लेकर बहुत वोकल हैं, लेकिन भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रही बर्बरता उन्हें दिखाई नहीं देती और न ही उस पर वो एक शब्द भी कहती हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर सामने आने से पहले न ही वो भारतीय होने का जिक्र करती थी और न ही उन्होंने भारत में हो रहे जातिवाद को लेकर कुछ कहा। इसके तुरंत बाद अमेरिका में रह रहे भारतीय जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके अंदर कमला हैरिस को अपना साबित करने की होड़ लग गई। भारतीय समाज में ऊंची जाति से होना तमाम तरह के विशेषाधिकार देता है। हैरिस भी तमिल ब्राह्मण है तो ये समझना आसान ही है कि भारत के तमाम ऊंची जाति वाले लोगों को कमला हैरिस कुछ ज्यादा अपनी क्यों दिखाई देती हैं। आइए आपको बताते हैं कमला हैरिस की पूरी कहानी क्या है। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को हुआ था। उनकी माँ श्यामला गोपालन जो तमिल ब्राह्मण हैं, वो तमिलनाडु से बर्कले गई थी। कमला हैरिस के पिता जे हैरिस जमैका से थे। कमला हैरिस जब 7 साल की थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उसके बाद कमला हैरिस और उनकी बहन माया को उनकी माँ श्यामला गोपालन ने ही पाला। नवंबर 1982 में कमला हैरिस रंगभेदी विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुई थी। उस समय वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। कमला हैरिस ने कानून की पढ़ाई की और उसके बाद वो 1990 में सहायक अटॉर्नी के रूप में ओकलैंड के अल्मेडा काउंटी में काम करने लगी। कमला हैरिस 2003 में कैलिफोर्निया की प्रोसिक्यूटर बन गई। इसके बाद साल 2010 में हैरिस कैलिफोर्निया की अटॉर्नी भी बनी। बता दें कि कमला हैरिस कैलिफोर्निया की पहली महिला और साथ ही पहली ब्लैक व्यक्ति थी जो इस पद पर पहुंची थी। साल 2014 में कमला हैरिस ने डगलस एम्पोफ से शादी की। 2016 में इन्हें कैलिफोर्निया से जूनियर अमेरिकी सीनेटर के तौर पर चुना गया। अब 2020 में वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं। एक महिला के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कमला अपने कार्यकाल में अमेरिका में पनप रहे जातिवाद को खत्म करने के लिए कुछ कदम उठाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।